खबर बौद्ध स्थली श्रावस्ती से है, जहां पर जिले में मिले कोरोना के 7 संक्रमित मरीज। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहाँ पर एक साथ 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमित मरीज, जिले के अलग अलग इलाकों से मिले कोरोना के संक्रमित लोग। स्वास्थ्य विभाग के तरफ से अभी तक नहीं हो पा रही कोई कड़ी कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का लोग नहीं कर पा रहे पालन। लगातार भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस के घूमते आते हैं नज़र। जिले में निकाय चुनाव होने के बाद भी कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो पा रहा पालन। अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का भी लोग प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या आने लगी है। आज जिले के अलग अलग हिस्सों से 7 मरीज सामने आए। इस बारे में जब CMO से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज जिले में 7 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम आइसोलेट करा दिया है। श्रावस्ती जनपद का यह मामला, जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 7 केस आज सामने आए हैं, जिसमें सिलसिया, इकौना आदि स्थानों से लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कार्यवाही में जुटी हुई है। लोगों को होम आइसोलेट कराया जा रहा है, लोगों को दवा आदि का वितरण भी किया जा रहा है। लेकिन एक अपील, लोगों को अब सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बार फिर से नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके।